आगामी दुर्गा पूजा, विजयदशमी, लक्ष्मी पूजा व छठ पूजा को सकुशल संपन्न कराने के लिए नागरिक सुरक्षा कोतवाली प्रभाग की सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैंक रोड स्थित महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के सभागार में बैठक किया गया, जिसके संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि नागरिक सुरक्षा के वार्डन हर पर्व त्योहारों में निस्वार्थ भाव से सेवारत रहकर ड्यूटियों का निर्वहन करते हैं। आगामी दुर्गा पूजा में भी सभी वार्डनों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि वार्डन प्रत्येक स्थानों पर साधारण कपड़े में सतर्कता के साथ ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे। साथ ही निर्देशित भी किया गया कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर अपने मुख्य वार्डन या प्रशासन को सूचना देंगे। कैमरा मोबाइल के द्वारा पूजा के दौरान अराजक तत्वों पर भी अपनी पैनी नजर रखेंगे। साथ ही दुर्गा पूजा पंडालों में अग्नि से बचाव संबंधित उपकरण यदि उपलब्ध नहीं होता है तो समिति के सदस्यों से कहकर उपलब्ध कराएंगे। इस अवसर पर डिविजनल वार्डन विकास जालान, ड्यूटी डिविजनल वार्डन मुर्तज आलम, सचिव अभिषेक चटर्जी, उपाध्यक्ष विजय कृष्ण नंदी, मनोज कुमार मिश्रा, आदर्श आनंद, अनुपम गुप्ता, राजेंद्र कुमार, विजय उपाध्याय, मनीष सोलंकी, सुरेश सैनी, एजाज अहमद, शालिनी वर्मा, आरजू खान, हुमैरा खातून सहित अनेकों वार्डन मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह ने कहा, उन्होंने चाहता था कि आप लोगों से फेस टू फेस मुलाकात हो जाए, कुछ बातचीत का आदान प्रदान हो जाए, क्योंकि सिविल डिफेंस एक ऐसी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हम लोगों की जो पीपल टू पुलिस रेशियो होता है उसको पूरा करने में काफ़ी हद तक मदद करती है। मैंने अपनी नौकरी की शुरुआत बनारस जिले से की है, तो वहाँ पे क्योंकि जब नौकरी में आने से पहले बहुत ज़्यादा मुझे इसको स्वयं जानकारी नहीं थी कि सिविल डिफेंस होता क्या है, इसका पूरी संगठनात्मक रचना किस तरीके से होती है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन चलता है और किस तरीके से समाज के महत्वपूर्ण जो तेल की हैं, त्यौहार हैं, आपके पर्व हैं, उनमें अपनी अग्रिम भूमिका निभाता है। तो बनारस से जब मैं था तो शहरी क्षेत्र में सिविल डिफेंस की कार्य प्रणाली को बहुत ही नज़दीक से देखने का मुझे मौका मिला, देखने का मौका मिला। ऐसा ही एक उच्च स्तर का रहा है, मतलब तो मेरा अपना पर्सनल अनुभव तो ये है और आप लोग भी जानते होंगे कभी भी सिविल डिफेंस की कार्य प्रणाली पर कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन मार्क या इंगित करना इस तरीके से मेरे संज्ञान में तो नहीं आया है। और क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने बताया कि जो पुलिस टू पीपल रेशियो है कि प्रत्येक लाख जनता पे कितनी पुलिस होनी चाहिए, उसको आप लोग काफ़ी हद तक पूरा करते हैं। सिविल डिफेंस का अगर मतलब शाब्दिक अर्थ में सब लोग आपको सिविल डिफेंस से ही बताने का तो कोई औचित्य है नहीं, फिर भी जैसे कि शाब्दिक अर्थ देखें तो आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ट्रेड पीपल का है जो कि पुलिस और आर्मी या आर्म फोर्स से न होते हुए वो कार्य करते हैं जो कि आपदा के समय या किसी इमरजेंसी के समय एक ज़रूरत होती है। तो क्योंकि इधर दो या तीन त्यौहार काफ़ी अच्छे से व्यतीत हुए हैं, मोहर्रम में मैं स्वयं देखा था कि रात एक डेढ़ दो बजे तक तीन बजे तक आप लोग अपनी मतलब के पोस्ट को संभाले हुए थे, और सबसे कोई भी तीन त्यौहार होता है तो कहीं आप लोगों से ये एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है कि आप कहीं डंडा लेके फटकारें या स्वयं उलझ जाए, क्योंकि आपकी मौजूदगी रहती है तो हम लोग एक विश्वास रखता है कि जो एक सही और तथ्यात्मक जानकारी किसी भी घटना की हम लोग के पास आप लोगों के माध्यम से सर्वप्रथम पहुँचेगी, आसानी हो जाती है कि हम किस प्रकार से कोई भी कार्रवाई अमल में आए। जैसे कि पूरा मुहर्रम का त्यौहार यहाँ पर मैंने देखा कि काफ़ी बेहद स्तर से मुहर्रम की जरूरत से चलती है, कहीं परेशानी न हो, कोई भी वर्ग में किसी भी प्रकार की विपूर्ण भावना उत्पन्न न हो, तो वो आप लोगों की मदद से हम लोगों ने उसको काफ़ी हद तक सफलतापूर्वक चलती है। आने वाला समय दिसंबर लास्ट, अक्टूबर, नवंबर फर्स्ट वीक तक काफ़ी ज़्यादा त्यौहार हैं, मतलब सुबह फिर दुर्गा पूजा, उसके बाद से दशहरा, फिर दीपावली, लक्ष्मी पूजा, उसके बीच में यदि आप लोग सामाजिक क्षेत्र से आते हैं और हमारे आयोजक हैं तो हमें वो भी आपसे काफ़ी जुड़े मिले रहते हैं, शायद हमसे उनकी बात कहने से या फिर कोई स्थानीय उनकी बात कहने से वो अपना रहते हैं, तो आप भी उनकी गतिविधियों को देखकर, उनके जो क्रियाकलापों को देखकर एक मतलब के अनुमान लगा सकते हैं कि भाई उनकी क्या मंशा है त्यौहार को सही तरीके से भी बनाने के लिए। आगे उनकी अगर सूचना हम लोग तक आ जाएगी तो उसको हम लोग अकॉर्डिंगली एक्ट करने में, नियमानुसार कार्रवाई करने में हम लोग की आसानी हो जाती है, और रिमर फैलने से बच्चे ज़्यादा लोग उसमें जुड़ जाते हैं तो वो छुट्टी से बीमारी रहती है, तो सरकार को जाना बहुत आसान रहता है, बड़ी आगे का विक्रांत पता ले लेती है। आप सभी लोगों के पास हमारा नंबर, आपके संबंधित सी ओ साहब का नंबर, आप लोग अपने संगठन में आप लोगों का नंबर, थाने स्तर का नंबर होना चाहिए आपके मोबाइल में, आप सुनाएंगे प्रसाद लेंगे कि नहीं लेंगे।
उसे अपनी आस्था है, उसे अपना मतलब इसकी स्थापना कर दिया। कुछ लोगों का ये रहता है कि भाई अगर मूर्ति स्थापना करेंगे तो उसके साथ उनकी प्रेरित होकर वो करते हैं कि भाई हम इस तरह से स्थापना करेंगे तो बड़ा हमारा ही कार्यक्रम बनेगा, लोग हमारा नाम जाएगा और आगे हमारे इस तरह से फायदा रहेगा। हाँ, सिविल डिफेंस के सभी मतलब है कि पदाधिकारियों के साथ ये बैठक रखी गई थी, जो हमारे आने वाले 45 दिनों में महत्वपूर्ण त्यौहार हैं उनको सही तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए और सभी को मोटिवेट करने के लिए ये बैठक रखी गई थी।